हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अब मैं शॉप में आ चुका हूँ और कुछ चार्जर आए थे बॉक्स पैक में, तो मैंने सोचा इसको डिस्प्ले में लगाया जाए। पीछे जगह बहुत खाली थी तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे लगाया जाए, तो मैंने डिस्प्ले भर दिया। और उसके बाद डिस्प्ले में आपको वन प्लस में बड़े मॉडल आपको बड़े दिखाए मैंने, आज मैं वन प्लस में आपको छोटा मॉडल दिखाता हूँ, वन प्लस नोड N100। ये आपको ड्यूल सिम में कहीं से भी मिल जाता है और ये 464 GB में है। और इसका बैक फिंगरप्रिंट दिया गया और इसकी पासकेट बॉडी में, पासकेट बॉडी में आता है। और ये आपको रैम मेमोरी में भी 464 GB में कहीं से भी मिल जाता है। बड़े मॉडल वन प्लस के आपने देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन ये छोटा मॉडल है और इसमें आपको हैंड फ्री जैक की भी ऑप्शन मिल जाती है, दूसरे मॉडलों में आपको नहीं मिलती बड़ी सीरीज़ के मॉडलों में। लेकिन ये भी अगर फ़ोन यूज़ के लिए लिया जाए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, डिस्प्ले के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। स्नैपड्रैगन इसमें आपको मिलेगा 440 का और बेस्ट कैमरा ऑप्शन है। जाहिर सी बात है वन प्लस का फ़ोन है, कैमरा वाइज तो बहुत ही आउट क्लास है, चीज़ चलने में बहुत ही अच्छी है। आप यूज़ करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैक इसके ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं और डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है स्टीरियो स्पीकर के साथ। इसमें बैक फिंगरप्रिंट आता है और वन प्लस लिखा हुआ। दूसरे ऑप्शन में आपको वन प्लस का ही दिखाएंगे N200। ये मॉडल सेम ही है, बस इसमें ये डिफरेंट N200 है ये मॉडल। आपका वो जो था वो आपका N100 था। और ये भी चलने में बहुत बेहतरीन है, वन प्लस में चलने में बहुत बेहतरीन ही होगा और इसका डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी रैम मेमोरी के बारे में और बताऊँगा कुछ और चीज़ों के बारे में। चलने में बहुत अच्छी चीज़ है। इसका साइड में फिंगरप्रिंट दिया गया है, बाकी मॉडलों का अंडर डिस्प्ले में आता है और किसी किसी का बैक पे आता है, लेकिन इसका जो है वो साइड में दिया गया है। कैमरा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी व्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वन प्लस तो ज़्यादातर व्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटे मॉडल से शुरू करना चाहें तो आप ये ले सकते हैं जिसका बजट कम है। वो ये डिस्प्ले तो बहुत आउट क्लास है। और इसके स्नैपड्रैगन की बात की जाए तो 480 में आपको स्नैपड्रैगन मिलता है और ये भी आपको 464 GB में मिलता है और बेस्ट कैमरा ऑप्शन है। और इसमें अब भी जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है वो 11 है। अगर आपने 13, और मैंने उसके बाद छोटा सा क्लिप बनाया था सैमसंग गलेक्सी S21 के बारे में, ये भी बहुत ही स्मूथ फोन है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और बैक इसकी बहुत ही मैट में और बहुत ही आउट क्लास है। डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिया गया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरे नंबर में आपको मैं दिखाता हूँ वन प्लस 8T। ये मॉडल मैंने सारे अभी अभी डिस्प्ले से निकाले थे। इसको हमने एंड्रॉयड 13 पे अपडेट करना था, मतलब इसमें हमने एंड्रॉयड 13 की फ़ाइल करनी थी। अभी तो ये जो वर्जन इसमें चल रहा है वो 11 का चल रहा है, बाकी इसको एंड्रॉयड 13 पे करके डिस्प्ले में लगाएंगे ताकि कस्टमर वही डिमांड करते हैं कि एंड्रॉयड 13 में भी चीज़ मिले, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है उसमें बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। 80 का रिव्यू आपको मैंने तो दिखाया होगा, इसके बारे में भी बताया होगा आपको। ये 12/256 GB में आता है, 12/256 और अंडर डिस्प्ले इसका फिंगरप्रिंट है। बेहतरीन डिवाइस है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, चीज़ तो बहुत बेस्ट है अगर आपने यूज़ करनी चाहिए तो।